हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तुलिका है और मैं आज आपको एक फोम से पेंटिंग बनाना बताऊंगी। जो ये फोम है इसको स्पॉन्ज भी बोलते हैं, हम इसका यूज़ करके आपको इस पेंटिंग में बताएंगे। तो शुरू करते हैं अपना एक नया वर्क करने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ स्पॉन्ज है, आप देखिए इसमें किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं ये पूरी शीट पे यहाँ पे मैं पूरी शीट पे वाइट कलर लगा रही हूँ। बहुत ही कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे वाइट कलर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैंने वाइट कलर लगा दिया है यहाँ पर। और अब मैं वाइट कलर के साथ कुछ कुछ एक मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को लेना चाह रही हूँ। मैं इसको ब्लैक कलर ले रही हूँ इसके ऊपर। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर इस स्पंज के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लगाया, देखिए। मैं ज्यादा ज्यादा मैं ब्लैक कलर नहीं ले रही हूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। और इसी इसी मेरे पास जो कैनवास है, मैंने कैनवास ले लिया है और मैं यहाँ पे बहुत इजीली स्प्रेड कर रही हूँ। एक अलग सा जो टेक्सचर आएगा वो आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर में इसमें। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के साथ इस स्पंज की हेल्प से ये देखिए किस तरीके से ब्यूटीफुल सा टेक्सचर बैक में बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत इजीली आपको बहुत हेल्पफुल होगा बैकग्राउंड के लिए ये। तो यहाँ पे जो चीज़ें छोटी मैं उनको पूरा कर दे रही हूँ। ठीक है, मैं इसमें और वाइट कलर ले रही हूँ। अगेन मैं इसमें कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ओके फ्रेंड्स, अब ये पूरे में मैंने स्पंज की हेल्प से एक बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बनाया। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे इसके इसके साथ में वो आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुली मर्ज करूंगी मैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये बैकग्राउंड ऑलमोस्ट तैयार है, बट इसमें मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो आई थिंक मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा और ब्लैक करूंगी। मैं इसी इसी स्पंज से ही मैं इस पर टेक्चर डालूंगी। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे स्पंज पे ही कलर डाल करके और इसको ब्रश से ही डैबिंग डैबिंग करके, सॉरी स्पंज से ही थोड़ा सा डैबिंग डैबिंग करके ऐसे ऐसे मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको कि देखिए बहुत ही कूल माइंड होकर इसको करना है आपको। इसमें ज़रा सा भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही ईजली स्मूथ वे में पूरा ये हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर पहले स्पंज से वाइट एंड ब्लैक कलर से इसको स्ट्रोक लगाए इसमें। उसके बाद में इसी इसी स्पंज से ही किनारे किनारे मैं इसमें थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा और मैं इसकी चौड़ाई बढ़ा रही हूँ कलर की, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पूरा मैंने ब्लैक कलर से साइड साइड पर लगाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर अगेन थोड़ा सा इसको डार्क करना चाह रही, थोड़ी सी इसकी चौड़ाई और बढ़ाना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पे और इससे थोड़ा सा और इसको ब्लैक कलर को ही मैं इसमें थोड़ा सा और स्प्रेड कर दूंगी चौड़ाई में। ये देखिए साइड साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आ रहा है ये। ओके ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद में आप इसमें कुछ और करना है जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरी तरीके सूख चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर यूज़ करूँगी जो मैं साइड साइड पे यूज़ करूँगी। तो चलते हैं यहाँ पर गोल्डन कलर को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स एक अलग सा यहाँ पे टेक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट टेक्चर। ब्लैक पर गोल्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन कलर के साथ थोड़ा नया नया यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा आपको देखने में नया लगे और ये पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन कलर जो लगा है बहुत ही रॉयल लुक देगा। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर लगा दिया है साइड साइड में। ये देखिए ये भी एक्रेलिक कलर है, गोल्डन है बट ये एक्रेलिक कलर है। आप इस कहीं से किसी भी शॉप से ले सकते हैं इसको, जहाँ पे आर्ट मटेरियल मिलता हो। ये भी और कलर की तरह ही होता है। ये देखिए फ्रेंड्स यस, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरे में हल्का हल्का सा स्प्रेड कर रही हूँ कलर को साइड साइड से। कुछ लाइंस डाल रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरीके से। कहीं कहीं लाइन डाल रही हूँ, पूरे में नहीं डाल रही हूँ मैं, बहुत ही डिफरेंट लुक देगा इस पेंटिंग को ये। बहुत इजी और बहुत फास्ट तरीके से ये पेंटिंग बनेगी, आप देखते देखते रह जाएंगे कितनी ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनेगी ये। तो मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर से पूरे में लाइंस बना दिए कहीं कहीं पर। ओके फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा सूख जाए, इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स अभी हमारा ये थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो हम इस पर एक बहुत ही इजीली कलर लगा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फैन ब्रश ले रही हूँ। आपके पास फैन ब्रश नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रश आपको जैसे भी लगे आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे फैन ब्रश की ज़रूरत थी। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रेड कलर डाल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कलर थोड़ा सा स्प्रेड हो गया, कोई बात नहीं फैल गया, उसी पर ही मैंने यहाँ पे रेड कलर को लगा दिया क्योंकि वो गिर गया था थोड़ा सा, कोई कोई इशू नहीं है। ओके फ्रेंड्स ये फ्लावर के कुछ अलग अलग टाइप्स में बना रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये बनने के बाद। तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर यूज करा है। इसके बाद मैं इसमें इसमें मैं दूसरा कोई कलर ले रही हूँ जो थोड़ा सा और इसको ब्राइट करे। अभी तो मैंने रेड कलर लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आई थिंक मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लेती हूँ। ऑरेंज कलर भी बहुत सुंदर लगेगा इस ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर में ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं ऑरेंज ले रही हूँ, उसी उसी फैन ब्रश पे ही मैंने लगा लिया है कुछ इस तरीके से। ब्यूटिफुल, बहुत ईजी और बहुत सिंपल पेंटिंग मैं आपको हमेशा बनाना बताती हूँ जो बिगनर्स हैं हमारे। ठीक है, जो बिगनर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ईजिली फटाफट पेंटिंग बना ले, अपना शौक पूरा कर ले। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर ऑरेंज कलर ले रही हूँ। ठीक है, मैंने ऑरेंज कलर लिया और ऑरेंज कलर को अगेन मैं उसी तरीके से फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो ये मैंने फ्लावर्स बना लिए। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, ये वाइट कलर था इसमें ही मुझे थोड़ा वाइट कलर में थोड़ा सा मुझे रेड कलर से शेड देना है, तो अगेन मैं रेड कलर ले रही हूँ। ठीक है, वाइट कलर के साथ इसको मैं थोड़ा शेड दूंगी। ठीक है, मैंने वाइट एंड रेड मिक्स कर लिया है, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा शेड दूंगी। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लग रहा था वाइट कलर, तो मैंने इसमें सोचा कि इसमें थोड़ा सा मैं वाइट कलर से शेड दे दूंगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा टेक्चर आ गया अगेन, और वो चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगी, यहाँ पे भी करूँगी अगेन। अगर मैं और फ्लावर बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और बना लेती हूँ, यहाँ पे भी एक बना लेती हूँ इस जगह पर।
ओके फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें छोटे थोड़े छोटे फ्लावर भी फैन ब्रश से बनने चाहिए, तो मैं थोड़े से स्मॉल फ्लावर्स भी फैन ब्रश से बना लेती हूँ। कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक स्मॉल फैन ब्रश है, मैं इसका यूज़ करने जा रही हूँ यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर बनाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर ये लाइट ब्लू कलर ले रही हूँ जो कि थोड़ा स्ट्रांग बढ़िया सा इसका कलर है। फिर देखिए पूरे में मैंने स्प्रेड कर लिया इसको। अगेन मैं इसमें यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फ्लावर्स बनाऊंगी इससे मैं। है ना कितनी इजी पेंटिंग। बस आपको इसमें फैन ब्रश का यूज़ करना है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। कि देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसमें वाइट कलर भी टच दे सकते हो, तो मैं वाइट कलर का टच दे रही हूँ इस फ्लावर्स में कि और ब्यूटीफुल लगेगा। ओके, ये पूरा मेरा फ्लावर्स मेरे पूरे तैयार हो गए हैं फ्लावर्स। अब इनके बाद मैं इनकी टहनियाँ बनाऊंगी। तो फटाफट मैंने एक ऐसा फ्लैट ब्रश ले लिया है। मैं यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर सैफ ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ इसको बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टहनियाँ बना दी है इसकी। ये देखिए कुछ कुछ मैंने लाइट ग्रीन कलर से लिया है और मैं कुछ इसमें थोड़ा सा येलो कलर के साथ इसको बनाना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं येलो कलर ले लेती हूँ, कहीं कहीं मैंने थोड़ा लाइट कलर ले लिया है, थोड़ा सा लाइट हो गया येलो कलर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बन के तैयार हो रही है। और बैक वाले में थोड़ा सा मैं कलर को डिफरेंट करूंगी, मैं थोड़ा सा इसमें ब्लैक कलर ऐड कर रही हूँ अपने इसी ब्रश में। ये देखिए थोड़ा सा मैं क्लीन कर ले रही हूँ इसको, मैं ब्लैक कलर के साथ ही इसका, मतलब मैंने दो कलर यूज़ करे हैं इनकी टहनियों के लिए। एक मैंने ग्रीन कलर, फिर उसके बाद थोड़ा सा येलो टच दिया था उसमें, लाइट ग्रीन हो गया था। तो अभी मैं पूरा ये ब्लैक कलर के साथ इसको बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मेरा इनकी टहनियाँ पूरी कंप्लीट हो गई है यहाँ से। ओके, अब मैं यहाँ पे नीचे की साइड में थोड़ा सा ग्रीन कलर लूँगी जो कि थोड़ा लाइट ग्रीन होगा, और लाइट ग्रीन कलर से मैं इसमें ही थोड़े थोड़े पैचेस बनाऊँगी जो कि मैं अपना मैं इसमें यूज़ करूँगी ये वाला टूल, नाइफ, हाँ इसको नाइफ बोलते हैं। कहीं कहीं मैं इसकी थोड़ा सा मॉडर्न इसमें लगाऊंगी, मॉडर्न तरीके से इसके लीव्स बनाऊंगी मैं।
बहुत ही सिंपल कूल तरीके से, ज़्यादा ज़्यादा इसमें मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है इसके लिए कि कैसे बनेगा। आप कैसे भी इसमें स्ट्रोक लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ बिना सोचे हुए, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर लग गया है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर लगाऊंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं कहीं मैं येलो कलर का टच दे रही हूँ, बहुत ही ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा मैं येलो कलर यूज करूंगी इसके लिए। कि देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पेंटिंग बनके आपके सामने तैयार हो रही है। है ना कितनी इजी, जो बिगनर्स है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है, और आई होप उनको जरूर पसंद आ रही है, और हाँ मुझे पता है कि आप इसको ट्राई जरूर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बस इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है, मैं इसमें कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो मैं ले रही हूं यहां पे थोड़ा सा ब्लैक कलर, जिस तरीके से यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए जो बनाते हैं, ये बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, आपको मैं इसको पास से दिखा देती हूँ। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत इजी पेंटिंग है, उनको अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से वो बहुत आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको पूरा आपको दिखा रही हूँ, जो जो गोल्डन कलर मैंने लगाया था, ये देखिए बहुत पास से मैं इसको पूरा आपको दिखा रही हूँ पेंटिंग को। ये देखिए, अभी ये गीली गीली पेंटिंग है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगी तो और ब्यूटीफुल लगेगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक बहुत ईजी पहुँच सके। चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।